हमारे स्वास्थ्य के शत्रु कौन से हैं और उन शत्रु के कारण कैसे रोग होते हैं। हम असंयम करते हैं, बदपरहेजी करते हैं, कोई हमारे जीवन का न नियम है, न उठने का, न सोने का, न खाने का, न पीने का कोई नियम नहीं है। इसको जो चाहिए प्रॉपर मात्रा में जब हम नहीं देते हैं तो सभी प्रकार के रोग होते हैं। दूसरा, हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, शरीर को भारी बना देते हैं तो आलस्य आता है। आलस्य आता है तो मंदाग्नि होती है, हमारी पेट की शक्ति पचाने की कमजोर होती है, जिससे मोटापा, जोड़ों का दर्द होता है। तनाव करते हैं, तनाव करने से सिर दर्द होता है, अनिद्रा होती है और ब्लड प्रेशर होता है। अधिक विषय भोग से लकवा होता है, श्वेत प्रदर होता है और हर प्रकार के लोग होते हैं। क्यों? कि क्या होता है, उसे इम्यून पावर डाउन होता है। जितना इम्यून पावर डाउन होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा, बेसन, दालें, ये जितने भी हम बारीक आटा ये खाते हैं, मैदे वाली चीज़ें खाते हैं, बिस्किट वाली चीज़ें खाते हैं, तो ये कब्ज, गैस और दर्द पैदा करती है। तली वसुओं से जिनका शौक होता है उनको सर्दी, जुकाम, खांसी और इनडाइजेशन तो बना ही रहता है। वनस्पति घी लेते हैं तो आंखों की नज़र कमजोर होती, हड्डियां कमजोर होती हैं। सफ़ेद चीनी लेते हैं तो चर्म रोग, दांतों के रोग और मधुमेह होने के खतरे बढ़ जाते हैं। नमक, जोड़ों का दर्द, गुर्दों की प्रॉब्लम, त्वचा के रोग और हृदय के लिए तो पॉइजन का काम करता है नमक। नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करके गुस्सा, क्रोध लाना, ये सब विशेष हाथ नमक का रहता है। मैंने 1.5 साल नमक नहीं खाया था, कभी मेरे को गुस्सा, क्रोध आता ही नहीं था। आज जो हमारे बच्चे कंट्रोल में नहीं है, अगर हम नमक हटा दें तो देखिए बच्चे आपके कैसे पांव छूते हैं। और इसके अलावा जो लाल मिर्च लेते हैं, जो भी लाल मिर्च लेते हैं तो जलन बनी रहती है, मत्स्य बवासीर होते हैं, भगंदर होता है। अचार लेते हैं, हमारे गुरुजी बोलते थे अगर आपने अचार घर में रखा है मना बुखार को आपने निमंत्रण दिया है, क्योंकि वो एसिड जो क्या होता है, बोलते जितना पुराना अचार उतना टेस्टी, जितना फर्मेंट होता है, जितना गंदा होता है वो डायरेक्ट जाके हमारे ब्लड को इम्प्योर करता है। तो क्या है, पित्त दोष, एसिडिटी बढ़ना और लिवर के रोग होते हैं। मांसाहार एवं अधिक प्रोटीन लेते हैं तो जोड़ों का दर्द और पथरी। जो दालें खाते हैं, आज दाल चावल रोटी सब में प्रचलन है, तो इसका परिणाम जिसको देखो जोड़ों के दर्द हैं। चाय, कॉफी, गुर्दे के रोग, मधुमेह, शीघ्र पतन, क्योंकि वीर्य को पतला करती है चाय, कॉफी। विषैली दवाइयां लेते हैं, दवाइयां से तो सभी रोग होते हैं, इवन लिखा है ब्लड कैंसर भी होता है। ये जो चर्म रोग, ब्लड कैंसर, ये वीकनेस आना, शरीर और दिमाग हमारा कमजोर होना और स्थायी रोग बना रहता है अगर हमारी यहां दवाइयां चलती रहेगी तो। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू लेते हैं, ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके बताया कि अगर गुटखा लेते हैं तो मुंह का कैंसर निश्चित होगा, और अगर सिगरेट लेते हैं तो ये लंग्स का कैंसर निश्चित होगा, और शराब लेते हैं तो लिवर का कैंसर निश्चित होगा। इसको कोई बदल ही नहीं सकता, तब तक कुछ नहीं होता है जब तक हमारा इम्यून पावर, जब तक हमारी शक्ति अच्छी होती है। इसके बाद शराब जो लेते हैं तो लिवर सिरोसिस होता है, ब्लड प्रेशर होता है, और सुपारी वगैरह लेते हैं तो गले के रोग या फाइब्रोसिस होता है। और एयर टाइट वस्त्र पहनते हैं, तंग वस्त्र पहनते हैं, जो चर्म रोग, सर्दी गर्मी सहन न होना, ये स्थिति बन जाती है, क्योंकि इम्यून पावर चर्म चमड़ी का कम हो जाता है अगर हम टाइट कपड़े पहनते हैं। रबर के गद्दे लेते हैं तो रीढ़ और कमर का दर्द बना रहता है, स्पॉन्डिलाइसिस निश्चित होता है। फ्रिज की वस्तुएं लेते हैं तो सर्दी, जुकाम, जोड़ों का दर्द होता है, और अधैर्य, धैर्य नहीं होता है, जिसको भी जल्दी 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 बिल्कुल होता है तो एक्सीडेंट होते हैं, और स्थायी जो है, स्थायी रोग बना रहता है।
कामी विचार होते हैं तो चर्म रोग और दमा ये उससे जुड़े हुए हैं। क्रोध घृणा ये करते हैं तो मुंह व पेट में छाले ल्यूकोडर्मा होता है। मैं तो बता रहा हूं जो भी आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें छाले हैं, मैं एक ही उनसे बात करता हूं, ये छाले होते हैं एक तो पेट की खराबी से और मन में क्रोध आ जाए, क्रोध की अग्नि जो है ना अंदर आंत को डिसकंटिन्यू कर देती है, छाले पैदा करती है। और कृतघ्नता, हमेशा देखो जो जो हमेशा असंतुष्ट रहता है, कोई कितना भी काम करे असंतुष्ट रहता है ना, उसको सहयोग नहीं मिलता है। आज मैं क्यों खुश होता हूं, हमारे साथी आज देख रहे इतना बड़ा काम हो रहा है, ये बड़ा काम किसके, ये जो हमारे जितने साथी हैं उनके सहयोग से तो हो रहा है, तो क्यों नहीं हम परिवार क्यों नहीं बनाते हैं। आज परिवार है ही नहीं घरों में, हम परिवार का रिश्ता, आज मेरा चारों तरफ मेरा पूरा वर्ल्ड मेरा परिवार है, चारों तरफ से आते हैं, चारों तरफ से प्रोग्राम सेट होते हैं, आते हैं सब मिलते हैं। अब सुबह अभी फोन आया था दोपहर में, बोले उल्लासनगर में गया था, बोले हम 8 लोग आ रहे हैं, बताइए ये परिवार है, पूरा संसार अपना परिवार है। तो हमारा जो कहने का मतलब है, हमेशा हमें जिसे बोलते ना शुक्रगुजार रहना चाहिए, जितना भी ईश्वर हमें देता है हमें उसके उसका धन्यवाद करना चाहिए, जो भी हमें मदद करता है उसकी धन्यवाद करता है, वो अपनी क्षमता से तो मदद करता है अपने को, क्यों नहीं हमें उनको थैंक्स देना चाहिए। फिर मैं नेचर की ओर में गया, मेरा खाना बंद कर दिया, मैंने कहा अच्छी मुसीबत है, लोग बोलते तो अंत ईमान। तब मेरे को बोले कि आप 2 किलो पपीता खाओ, 2 किलो गाजर खाओ, 2 किलो टमाटर खाओ, धनिया की चटनी खाओ, कच्चा नारियल खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, वो सब चीजें खाओ जिसको आग ने स्पर्श नहीं किया है। मैं 3 महीने में कंप्लीट ठीक हो गया, जो कहीं नहीं ठीक हो रहा था, झाड़ फूक करवाना, नजर कटवाना, एलोपैथी होम्योपैथी आयुर्वेदिक सब इलाज कर लिए जिसने जो बोला। नेचर क्योर में आने के बाद फिर जब हमने इसको पढ़ा, हमें पता लगा कि अगर हमारे शरीर के अंग पावरफुल हैं और पावरफुल यही बनाता है, और ये पता लगा कि कोई भी हम चीज लेते हैं अंदर के अंगों की शक्ति को बढ़ा के बाहर निकलता है केवल 6 घंटे में। बुक आई, मैं 1.5 साल फलाहार पे रहा, मैं सही बता रहा हूं, जो आज ये गलत ये मन में भरा हुआ है ना धारणा कि अन्न तो ईमान है, अन्न कौन सा चाहिए, अन्न चाहिए जो जीवित भोजन जो हमारी शक्ति बढ़ाए। इसके बाद रोग अवस्था और वृद्ध अवस्था में कैलोरीज का विशेष महत्व होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल वृद्ध होता है ना तो बोलता है मेरे को यार पौष्टिक चीजें दीजिए, गरिष्ठ चीजें दीजिए, अरे जो मशीन कमजोर है तो कहां पचा पाएगी। और ये हमारे इसमें ये जो बोलते हैं ना प्रोटीन कैन बिल्ड द बॉडी, प्रोटीन अगर बच्चा खाएगा तो उसकी वृद्धि होगी, हम खाएंगे तो नुकसान करेगा। बताएं प्रोटीन कैन किल द बॉडी एंड प्रोटीन कैन बिल्ड द बॉडी, ये दोनों हैं। तो आप देखिए मजदूर अगर प्रोटीन खाता है, दाल खाता है तो हजम हो जाएगी, हम जो खाते हैं ना हजम नहीं होती है, तभी गैस और जोड़ों के दर्द ये सब उसके कारण होते हैं। फिर आहारी औषधीय हमारे हिप्पोक्रेट्स ने बताया, ये 500 साल पहले ये बताया कि आहारी औषधीय है। मैं आपको एक बात बताऊं क्या बोलते हैं लोग, बोलते हैं साहब देखिए आप बोलते हो जो प्रकृति देती है वो खाओ, तो प्रकृति वो भांग भी देती है, गांजा भी देती है, सब कुछ देती है, फिर क्यों नहीं खाएं। तो तभी हमारे जो ये हिप्पोक्रेट्स ने जितना सबसे बड़े से बड़ा काम इन्होंने किया, इन्होंने बताया कि जो हमारे आहार का अंग नहीं है वो हमारी औषधि भी नहीं हो सकती है। और क्या बताया, एप्पल अच्छा है, एप्पल का कोई दोष नहीं है, भूख नहीं है तो विष का काम करेगा, ये हमें किसी औषधि की जरूरत नहीं है। जो आप आहार खाते हैं केवल आप में ये समझ में आ जाए ना, बिगर भूख और प्यास के अमृत भी विष का काम करता है, आप बीमारी नहीं कभी होंगे। हमने क्या सीखा है, हम पहले यही सीखते थे नींद से उठते थे चाय परोठा चाहिए, आज हमने क्या सीखा है, आज हमने सीखा है कि प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, भूख लगती है तो भोजन करते हैं, थके हुए तो विश्राम करते हैं, केवल ये थके हुए नहीं तो काम करते हैं, यही सीखा है जिसके कारण रोग नहीं आता है।
फिर ये हमारे जो सिल्वेस्टर ग्राम, इन्होंने 1800 ईस्वी में, ये देखिए 1794 से 1851 तक इन्होंने बड़ा काम किया। इसने दुनिया को वो चीज बताई है जो किसी ने नहीं बताई। इन्होंने बताया कि क्या है बच्चे की शक्ति, वृद्ध की शक्ति, रोगी की शक्ति, स्वस्थ की शक्ति, अलग अलग होती है। जिसकी शक्ति होती है उसके अनुसार उसके आहार का निर्धारण करना है, ये सीखना है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमने ये सीख लिया ना, जीवन में कभी रोग को डिमांड करेंगे तो भी नहीं आएगा। कोई हमें समझो कोई बद्दुआ भी देगा तो कुछ नहीं असर करेगी। क्यों? बीमारी केवल यहां से होते हैं। हमारे गुरुजी बोलते थे हम बीमारी और कहीं से नहीं भेजते, बीमारी यहां से भेजते हैं। क्या खाते हैं इसको कंट्रोल करने से, संयम करने से बीमारी कंट्रोल होती है। प्रकृति माँ की कृपा हम भूल नहीं सकते। क्या नहीं दिया है? गांधी मेडिकल कॉलेज की वाइस जिनकी स्पीच लर्च होने के बाद केवल हमने पाइनएप्पल खिला के उसकी स्पीच को नॉर्मल किया है। कितना कुदरत देती है, केवल अज्ञान हमें सब है, ये सब देती है। अखरोट, आज मैं तो बता रहा हूं, लोग अखरोट लेना चालू करें ना तो ये जो गुस्सा क्रोध तनाव ये सब खत्म हो जाएगा। शक्ति चाहिए। एक शक्तिशाली आदमी होता है, कोई भी कुछ बोलता है तो डरता है क्या? अच्छा कर लेते हैं ना। और कमजोर होता है तो जल्दी घबरा जाता है। तो क्या चाहिए हमारे? पपीते की रचना, पपीते में पेपिन एंजाइम होता है, अंदर भी स्टमक में पेपिन एंजाइम होता है। कुदरत तो देख ही देती है। इमली की रचना, अपेंडिक्स की रचना सेम है। इमली बहुत अच्छी है, इमली खराब नहीं है, लेकिन इमली है घर की बना के, इमली गैस को निकालती है। अपेंडिक्स की अगर लेते रहेंगे तो कभी आपको अपेंडिक्स का दर्द नहीं होगा। बाबा रामदेव बोलता है लौकी का पानी पिया करो, लौकी की रचना तो ग्रह। तो कुदरत हमें सब देती है। मैं आपको फिर बताऊं, केवल ये देखिए, ये मेरे पीएचडी का आउटकम है। पीएचडी में मेरे को मिला कि ये जो फल सलाद जूस है, ये जितने भी अंग हैं ये सब को पावरफुल करते हैं। और ये पहली बच्ची है जिसने बचपन से लेके पक्का खाना नहीं खाया है। कुदरत लोकल एरिया के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, अंगों के आकृति के अनुसार सब देती है। हमें ये देखना चाहिए जिस सीजन में जो चीज प्रचुर मात्रा में आती है। माना कुदरत चाहती है कि मेरे बच्चे अगर वो खाएं, उनको कौन कौन से विटामिन्स मिनरल चाहिए वो खाएं और फिट रहें हमेशा। लेकिन अज्ञान होने के कारण हम उपयोग नहीं करते हैं। और जिसने ये चार बातें सीखी, मैं सही बता रहा हूं, कभी बीमार नहीं होगा अगर ये चार बातें सीखी। ये इतनी इंपॉर्टेंट है। कब खाएं, क्या खाएं, कितना खाएं, क्यों खाएं। और उसके बाद हमने ये चीजें और जोड़ी है उसमें कि थके हुए हैं तो विश्राम चाहिए, थके हुए तो चाय कॉफी मूड एलिवेटर्स नहीं चाहिए, और थके हुए नहीं तो काम चाहिए। क्या खाएं? प्रकृति जो देती है जीवित भोजन, ये खाएं। इसके बाद कब खाएं? बोलते हैं जब भूख लगती है। भूख मैंने बताया ना, भूख कैसी होना चाहिए? फीकी रोटी हो, ठंडी रोटी हो, कैसी भी रोटी हो, उसमें स्वाद आता है। कभी कभी आपने देखा इतनी भयंकर भूख होती है और हम क्या करते हैं, केवल अगर रोटी होती है या चावल होते हैं तो फीके खाने लगते हैं। भूख चाहिए। भूख नहीं है तो फिर हमारी डिमांड होती है, एपेटाइट, कि हमें पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, नूडल चाहिए। आज बच्चों का पेट साफ होता ही नहीं है, किसी का पेट साफ होता ही नहीं है, भूख लगती नहीं है। केवल नियम, टाइम और स्वाद से खाते हैं, बीमार तभी है। इसमें लिखा है रोग अवस्था में भोजन लेना रोग को पुष्ट करना है। रोग अवस्था में भूखा रह के पहले रोग को भकाना है। और इसके बाद जितने ज्यादा ज्यादा, कोई भी ऐसा नहीं है कम खाने से आज तक कोई नहीं मरा है, जितने मरते हैं ज्यादा खाने से मरते हैं। तो हमारे इसमें बोलते हैं अगर लंबी उम्र चाहिए तो केवल, मैं बता रहा हूं, जिन्होंने कम से कम खाया है, बोलते हैं ना अब जरो से आधी रोटी कम खाइए, जिन्होंने कम से कम खाया है वो लंबी उम्र जिए हैं। आपने ये भी सुना है, बोलते हैं जब हम पैदा हुए हैं तो अन्न के दाने लेके आए हैं। हमारे यहां एक पेंटर था इधर बैरागढ़ में, खूब मांस शराब, खूब बिल्कुल ऊट पिना खाना, ये खाना, 30 साल की उम्र में चला गया।
उसके नसीब में जो दाने लिखे थे अन्न के दाने उसने पहले ही खा लिए तो चला गया ना। ये दुर्लभ जन्म फिर नहीं मिलने वाला, जल्दी क्यों जाएं, क्यों नहीं 500,000 साल जिए। एक एक दिन भी अगर हम ज्यादा जिएंगे तो हमारे मन में क्या है, हमेशा हम संतों का अनुकरण करें ना, सिद्ध भाव का अनुकरण करें ना। क्या कर रहे हैं सिद्ध भाव जी ने, कितना बड़ा त्याग किया है, मैं बता रहा हूं इतना बड़ा त्याग किया है जो किसी ने त्याग नहीं किया है। मैं भी शादी नहीं कर रहा था, फिर बाद में सोचा मेरे मन में यह नहीं रह जाए कि कोई हमने हमने कुछ कोई कमी छोड़ी है। लेकिन सिद्ध बाबू जी ने कितना बड़ा त्याग किया है बताइए, संत जी ने कितना बड़ा त्याग किया है। ऐसे विरले संत और विरले सिद्ध बाबू जी मिलते हैं, हम जीवन में कभी उनको नहीं भूल सकते हैं। और मैं बता रहा हूं रियली जो संत जी की जो भावना हुई ना, जगत का कल्याण वो निश्चित होगा, क्योंकि भाव जी उस काम में लगे हुए हैं। और हम मिलके, अकेले सिद्ध भाव जी नहीं, हम नहीं, आप हमारे जितने भी परिवार हैं, आप जहां जाएंगे रंग लगा दीजिए। आपको यहां पे डिप्लोमा भी होता है, हम डिप्लोमा भी चाहेंगे घर बैठे आप कर सकते हैं, कुछ नहीं, केवल ये ज्ञान है, एक ये बुक होती है, इसकी पढ़ना होता है, लास्ट में एग्जाम होते हैं, फेल कोई होता ही नहीं है, किसी भी उम्र का बैठ सकता है, घर बैठे आप कर सकते हैं। मेरी मिसेस ने डिप्लोमा किया तो बीमारी घर में 36-37 साल से बीमारी नहीं हुई, बहू घर में नहीं आई है, पहले मैंने डिप्लोमा करवा दिया। डिप्लोमा का अर्थ होता है शरीर का ज्ञान। इसके बाद हमारे बोलते हैं कितना खाना चाहिए, बोलते हैं क्वालिटी, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट बट क्वांटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वालिटी। हमारे जो ये कैरिंगटन है, देखिए जिन्होंने इतनी बड़ी पुस्तक लिखी है, इसने ये लिखा है, इसने बताया है, ये कैरिंगटन है, और कैरिंगटन ने जितना काम किया है ये समझो इतना बड़ा काम किया है कि जो आज किसी ने नहीं किया है। क्या दिया है, अगर आपकी शक्ति को बना के रखना है तो ये सीखना है। हम मना नहीं करते हैं कब उपवास करना है, कब खाना खाना है, ये सीखना है। तो इसने लिखा है, ये बोलते हैं, इसने कौन सी बुक, एक ये बुक लिखी है, एक लिखी है ये डेथ रेफर्ड, ये डेथ रेफर, इसमें लिखा है हाउ टू प्रोलॉन्ग लाइफ एंड पोस्टपोन डेथ, डेथ को पोस्टपोन किया जा सकता है। उसमें ये चीज उसने लिखी है, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट बट क्वांटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वालिटी। क्या खाते हैं, अगर आपके पास भूख होगी ना तो आप समोसा भी खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा, कोई गलत चीज भी खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन बिगर भूख के आपका अमृत भी विष का काम करता है। तो ये सीखना है, ये चीज है। इसके बाद इसमें बताया, देखो क्या होता है, मैंने बताया ना, लिखा है फूड मेक्स द ब्लड, यहां जो खाते हैं उसे खून बनता है, जैसा खून बनता है वैसे शरीर के अंग होते हैं, वैसे शरीर के कार्य होते हैं। और इसके बाद ये सिद्धांत है कि जितना हम खाते हैं वो कैलोरीज बर्न होना चाहिए, हम बर्न नहीं करते हैं, खाते हैं, खूब खाइए, व्यायाम करिए ना, क्या मना करते हैं? नहीं खाइए, मैं तो बोलता हूं आप दुनिया के लक्कड़ पत्थर हजम कर सकते हैं, केवल शक्ति तो बढ़ाओ इसकी। उसके बाद क्यों खाएं, क्योंकि देखो शरीर को चाहिए न्यूट्रिशन, प्रकृति मां हमें देती है।